क्या पढ़ाया, तो एग्जाम है तो मैंने एग्जाम के कुछ पेपर्स मैं आपसे क्वेश्चन पूछता चलूंगा, आप लोग बताते सर। एक चीज है सर, मतलब सबसेक्शन ऑन इन बाइनरी नंबर, ठीक है वो बता दूंगा। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने जा रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन, फटाफट बोलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना आज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन, बीसीए 445, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन, टेल मी सर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट वही ब्रेन इज अ ब्रेन वर्क्स ऑन इमोशन। यस सर ब्रेन कैन टायर्ड बट कंप्यूटर कैन नॉट टायर्ड, वेरी गुड। और कंप्यूटर कैन वर्क स्पीड नहीं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर कैन नॉट लव, कंप्यूटर कैन नॉट अफेक्शन, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, ह्यूमन कैन थिंक, ह्यूमन कैन अफेक्शन, कंप्यूटर को चोट नहीं लगती, ह्यूमन को चोट लगती है, ठीक है। और बता रहा हूं, इमोशन होता है ह्यूमन के पास, कंप्यूटर के पास लॉजिक होता, मेंटेनेंस करना कंप्यूटर का आसान होता है, ह्यूमन ब्रेन का मेंटेनेंस करना बहुत कठिन होता है। अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन कोई भी चीज को अच्छे से समझ सकता है, वेयर एज कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स, जो हम प्रोग्रामिंग कोडिंग कर देंगे कंप्यूटर उससे ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता। और कंप्यूटर को हम लोग सुनते चलना सारे बच्चे, कंप्यूटर को हम लोग टर्न ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन को आप शट डाउन नहीं कर सकते। आप लोग समझ गए अंतर क्या है कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। अब बताओ, अब एग्जाम का टाइम आ गया, अब सोचोगे इतना तब तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा तुम लोग का। कंप्यूटर वर्क फास्ट, कंप्यूटर कैन नॉट टेक, है उसमें से क्या एक्यूरेसी है, मेमोरी है, ऑटोमेशन है, रिलेटिविटी, एक्यूरेसी, स्पीड, वर्सेटिलिटी है, और सर क्या पूछ लिया? मैं बताते चलता हूं, सुनते रहना। स्पीड, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड मेगा हर्ट्ज में मैप की जाती है, मालूम है ये चीज ना आप लोग को, कंप्यूटर स्पीड कैन बी मेजर्ड इनटू द मेगा हर्ट्ज, मींस एम एच जेड, और कंप्यूटर की स्पीड को हम मेगा हर्ट्ज में मैप कर सकते हैं। दूसरा, ह्यूमन बींग कैन डू एनी कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कैलकुलेशन इन ए डे, इन ए वीक, इन ए मंथ, इन ए ईयर, और इन ए कपल ऑफ ईयर, वेयर एज कंप्यूटर कैन डू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और पर मिनट। आप लोग मुझसे एग्री हो कि डिसएग्री हो इस पॉइंट से? एग्री। तरुण कुछ नहीं बोलोगे? यस सर। दूसरा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या समझते हो तरुण और पूरी क्लास से मैं पूछ रहा हूँ? सही सर, यानी कोई भी चीज का सॉल्यूशन एग्जैक्ट देना, एग्जैक्ट, नॉट अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट, ठीक है? यस सर। जैसे पाई की वैल्यू मैंने पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो लोग बोलते हैं 3.14 समथिंग, दिट इज एग्जैक्ट और दिट इज अप्रोक्सीमेट, क्या है वो? अप्रोक्सीमेट है। और मैंने कहा कि आपका शरीर का टेम्परेचर कितना है
आपने बोला 98-99, मतलब जो मशीन से दिखा कि 98 टेम्परेचर है, दैट इज अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट। एक्यूरेट पेट्रोल पंप पे हम लोग तेल खरीदने जाते हैं, वी आर गोइंग टू परचेज ए तेल ऑयल ऑन द पेट्रोल पंप। मैंने कहा 500 का पेट्रोल दे दो या डीजल दे दो, तो जो तेल डालता है 500 रुपीज का, दैट इज अप्रोक्सीमेट या एक्यूरेट? एक्यूरेट सर। एक्यूरेट, वेरी गुड। और मैंने आपसे पूछा वरवली में कि पाटलिपुत्र कैटलिस्ट कॉलेज से आपके रूम की दूरी क्या है, तो आप एक्यूरेट बताओगे कि अप्रोक्सीमेट बताओगे? अप्रोक्सीमेट बताएंगे सर। वेरी गुड, एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त है आप लोग की, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट, चाहे एक्यूरेट इनपुट हो, आउटपुट हो, रिजल्ट हो, परफॉर्मेंस हो, कुछ भी हो। थर्ड है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय रिलायबिलिटी? विश्वास, इसके मतलब कोई भी चीज जो रिजल्ट देता है उस पर हम लोग क्या विश्वास करते हैं सर। इसका सर जो फर्स्ट रिजल्ट होगा वही लास्ट भी होगा, चाहे कितना भी करा दे तो शायद नहीं। ये दिस इज नॉट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी चेक्ड एट द हार्डवेयर लेवल, रिलायबिलिटी चेक्ड एट द हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर आज हम लोग अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, हम ऐसा मोबाइल परचेज करते हैं जिसका रैम की साइज अच्छी हो, हार्ड डिस्क अच्छी हो, एक्सटर्नल मेमोरी अच्छी हो, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि सर उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, वर्क फास्ट हो। दो मिनट तो थोड़ा, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ दो मिनट में, ठीक है? ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? स्पीड हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, एक्यूरेसी हुआ, रिलायबिलिटी हुआ। रिलायबिलिटी हार्डवेयर लेवल पे होता है, जितनी अच्छी आपकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा सॉफ्टवेयर उतने अच्छे तरीके से चलेगा।
नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी से क्या समझते हो? कृष्ण कृष्ण कहाँ गायब हो गया आजकल? सर कंप्यूटर बहुत मात्रा में कोई भी डाटा को स्टोर कर सके। तो डाटा किस प्रकार का हो सकता है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस या सब प्रकार का डाटा? सभी प्रकार। सर हेट्रोजीनियस। यस, मतलब सब प्रकार का हेट्रोजीनियस डाटा हो, होमोजीनियस हो, एनी टाइप ऑफ डाटा हो, सबको वो स्टोर कर लेता है। एक क्वालिटी होती है वर्सेटिलिटी, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? सर एक साथ में बहुत सारा काम कर सकते। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हुआ डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब? वही सर, वो लगन से काम कर सकता है, यानी कि जो भी उसका आउटपुट पहला होगा वो उसका आखिरी भी वही होगा, मतलब कि वो ये थकता नहीं है। हम बता रहे हैं देयर आर 4 मिलियन टास्क इन योर कंप्यूटर सिस्टम, देयर आर 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस हैव टू एग्जीक्यूट इन योर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर विल वर्क फर्स्ट टास्क स्मूथली एज वेल एज 4 मिलियन टास्क इज लाइक दैट। मतलब जैसा वो पहला टास्क करेगा उसी तरीके से 40 लाख जो टास्क होगा उसी ईमानदारी से करेगा। दिस इज कॉल्ड डिलीजेंस। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब हुआ? यानी हम कोई भी प्रकार के रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या माना जाएगा? सर क्लाउड कंप्यूटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड मिस्टर रोहित। अब और रिसोर्स शेयरिंग का एक चीज प्रिंटर भी माना जाता है, क्योंकि कंपनीज के अंदर चाहे ऑफिसेज के अंदर एक प्रिंटर लगे होते हैं और उस प्रिंटर से एक से ज्यादा सिस्टम जुड़े होते हैं। इस बात से सहमत हो तुम लोग? यस सर। तो प्रिंटर इज ए बिग थिंग फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मैं सारे बच्चे करके बताएंगे, क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। अब बताइए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या होगा? इंडस्ट्री, एजुकेशन, गवर्नमेंट, बैंकिंग, बिजनेस, रेलवे, स्टडी, रिजर्वेशन सिस्टम। यस, बोलते चलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। एवरी सर लोकेशन, लोकेटर, बैंकिंग हो गया, मेडिकल फील्ड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एजुकेशन। लिखना हो तो लिख लेना, एग्जाम में काम आएगा, नहीं लिखना हो तो मत लिखना, लेकिन सुन लो। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स लिखना चाहो बस हम उसका हेडिंग दिखा देते हैं तुम लोग को, बाकी कंटेंट तो तुम लोग भर लोगे उसके अंदर। लिख लो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट पॉइंट लिखिए एजुकेशन। फर्स्ट हुआ एजुकेशन, सेकेंड हुआ इंटरटेनमेंट, थर्ड हुआ स्पोर्ट्स, फोर्थ हुआ एडवर्टाइजिंग। फोर्थ क्या हुआ? एडवर्टाइजिंग। फिफ्थ हुआ मेडिसिन। फिफ्थ हुआ मेडिसिन। सिक्स हुआ साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस एंड इंजीनियरिंग। सेवंथ हुआ गवर्नमेंट। नेक्स्ट हुआ एट हुआ होम कंप्यूटर्स। लिख चुके सारे बच्चे? खुशबू लिखी हो तुम? यस सर। यस सर। एक बार सुना तो मुझे विश्वास हो जाएगा लिखे हो। सुनाओ।
एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में सुनाइए। खुशबू बताइए, आपने बोला है कि यस सर। तरुण बताओ। एजुकेशन है पढ़ाई, एजुकेशन हाँ, इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट है तो इंडस्ट्री बोले जा रहे हो, मतलब मन से सही इंटरटेनमेंट, उसके बाद इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स है उसके बाद, तो सीक्वेंस वाइज लिखना। हाँ हाँ, इंडस्ट्री मैंने कहीं लिखाया ही नहीं, झूठ सच की कहानी बनाया जा रहा है। बैंकिंग, रेलवे, शुरू हो गया, इंजीनियरिंग, रेलवे, गवर्नमेंट। देखो रोहित लिखा है, सही बोल रहा है। अब सुनो, और कहाँ कहाँ यूज करते हैं भाई, बता देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर इन बैंकिंग कॉमा इन्वेस्टमेंट कॉमा स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर का, ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज करने में। अकाउंटिंग, टिकट रिजर्वेशन, चाहे रेलवे का हो, चाहे बस का हो, चाहे एयरलाइंस का हो। मिलिट्री ऑपरेशंस, मेट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन। मेट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन का क्या मतलब समझते हो तुम लोग? क्या सो मेट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन का क्या मतलब? जमीन के अंदर जो भू सर्वेक्षण होता है कि कहाँ कोयला पाया जा रहा है, कहाँ हीरा है, कहाँ अबरक है, कहाँ यूरेनियम है, कहाँ और पदार्थ है, लोहा है, समझ गए? उसे मेट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस के बाद हो गया सोशल नेटवर्किंग, फिर हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सोशल नेटवर्किंग का मतलब समझ गए होगे तुम लोग, इसमें तो एक्सपर्ट हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फेसबुक, व्हाट्सएप, हाँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, पुलिस डिपार्टमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो पढ़ाई चल रही है, टेली प्रेजेंस, बुक पब्लिशिंग, वेब न्यूज पेपर्स, ऑनलाइन न्यूज पेपर एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हमें कौन बताएगा पूरी क्लास में? सर जनरेशन वाइज सर बता सकते हैं कुछ कुछ। तब कब पढ़ोगे रोहित कुमार? 18 तारीख से एग्जाम शुरू है। सब पढ़ तो रहे हैं सर। हाँ, वेरी गुड। हाँ, जनरेशन वाइज बता दो। जनरेशन वाइज नॉलेज अगर होगा तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगी। बताओ जनरेशन वाइज। सर फर्स्ट जनरेशन में सर सबसे पहले सर कंप्यूटर आया था तो उसमें उसका यूज बहुत कम था, वो इसलिए कि वो बहुत बड़ा साइज होता था उसका और वो हीट प्रोड्यूस करता था और उसमें वैक्यूम ट्यूब एज अ प्रोसेसर यूज किया जाता था। सेकंड, वहाँ पे स्पीड भी थोड़ी कम थी, वहाँ पे पंच कार्ड का यूज किया जाता था इनपुटिंग के लिए। फिर सेकेंड जनरेशन में सर वहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज करने लगा वैक्यूम ट्यूब के बदले, थोड़ा सा उसके साइज में डेवलप किया गया। और फिर थर्ड जनरेशन में वहाँ पे आईसी आ गया और वहाँ पे इनपुटिंग के लिए हम लोग को आसान चीज मतलब आसानी से हम लोग कर सकते थे और वो फिर साइज मतलब पूरा ही छोटा हो गया, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आ गए थे, जैसे कि वहाँ उस समय आ गए थे ये कौन नाम बोल रहे हैं सर, फोर्ट्रान आ गए थे, कोबोल आ गए थे थर्ड जनरेशन में। यस, एंड देन द फोर्थ जनरेशन में एलएसआई, एमएसआई एंड एसएसआई एज अ प्रोसेसर आए थे फोर्थ जनरेशन में, जो कि वहां पे पोर्टेबिलिटी भी हो गया कि जहां हम चाहे वहां पे ले जा सकते हैं और उसको एक स्मॉल हो गया, वहां पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा एंड देन कंप्यूटर बिकम्स पॉपुलर। द फिफ्थ जनरेशन
सर नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जहाँ पे सर BLSI एंड ULSI पे वर्क होता है, प्रोसेसर वहाँ पे मशीन लर्निंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ जनरेशन में डेटाबेस आ गए थे, मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। फर्स्ट जनरेशन में सुन लीजिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। और फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम था 1940 से 1956 था, ये ध्यान रखिएगा, मैं क्लास में दोहरा रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था yes, 1940 से 1956 था, इस लाइन को याद रखिए। 45 सर देखिए थे सर, 45 या बोल सकते 1945 से 1956 भी लगा सकते हो, लेकिन 1956 उसका लास्ट पॉइंट है, 1940 से लेकर 1945 उसका फर्स्ट टाइम है, ठीक है? यस सर। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर वेरी स्लो। जो ऑपरेटिंग सिस्टम था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का, वो काफी स्लो था। दे वेयर वेरी लार्ज इन साइज। तो कंप्यूटर की साइज थी वो बहुत लार्ज थी, कंप्यूटर की जो साइज थी दैट वाज वेरी लार्ज। मतलब कहा जाता है कि जितना आपका क्लासरूम है ना सिमेज कॉलेज में, उतना में भी एक कंप्यूटर को आने में दिक्कत होती थी, इतना बड़ा साइज था। मेरी बात समझ रहे हो ना? यस सर। और जब एक रूम के बराबर वाला मशीन चलेगा तो कितना हीट पैदा करेगा? बहुत ज्यादा। अब प्रोडक्शन ऑफ द हीट वाज इन लार्ज अमाउंट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। मैं इस बात को भी डिस्कस कर ही रहा था कि जो हीट का प्रोडक्शन था, जो हीट पैदा होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, बहुत ज्यादा हीट पैदा होती थी। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज वाज यूज फॉर प्रोग्रामिंग। मशीन लैंग्वेज का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। आज कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं कोई काम के लिए? हाई लेवल लैंग्वेज। वेरी गुड रोहित। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज अनरिलायबल। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज अनरिलायबल। और नेक्स्ट पॉइंट है, दे वेयर डिफिकल्ट टू प्रोग्राम एंड यूज। उनके अंदर प्रोग्रामिंग करना और यूज करना काफी डिफिकल्ट था। लिख सकते हो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का, ये सब लिखवा दें कि लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को? लिखे हुए हैं सर कॉपी में। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कौन कौन थे ये बता दो जल्दी पूरी क्लास से, मैं पूछ रहा हूँ। इनियाक था, इनियाक था सर, एडीबेक, एडीसिक था, इनियाक, एडीसेक, एडीवैक, यूनिवैक, यूनिवैक, ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, ठीक है? अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम आया कब से कब तक था? सर 1956 से 1956 से 63 तक थे सर, 62 या 3 तक थे सर, 7 इयर्स चले थे। अब कह सकते हो सेकेंड, सुन लो, फर्स्ट जनरेशन का आप लिख सकते हो कि 1945 से 1956 तक, ठीक है? सेकेंड जनरेशन को लिख सकते हैं 1956 से लेके 1963 या 1964 तक हम लिख सकते हैं, ठीक है? यस सर। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम यूज होता था। अब सेकेंड जनरेशन का मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड जनरेशन टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम 1956 एंड एंड बाय द 1964। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता, ट्रांजिस्टर्स वी आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वी आर स्मॉलर इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से साइज इसमें कम होता है सेकेंड जनरेशन का। थर्ड, दे वेयर फास्टर इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और फर्स्ट जनरेशन का जो स्पीड था, प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्पीड थी, एक्यूरेसी था, वो सेकेंड जनरेशन में
अच्छा हो गया फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में. नेक्स्ट, दे जनरेटेड लेस हीट एंड बेयर लेस प्रोन टू फेल्योर. और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ज्यादा हीट पैदा करते थे, ज्यादा हीट जनरेट करते थे. सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ने हीट को जनरेट करना कम कर दिया, जिसके चलते फेल्योर होने की संभावना कम गई. उसके बाद जो कंप्यूटेशनल टाइम है, कंप्यूटेशनल टाइम जो फर्स्ट जनरेशन का था वो ज्यादा था. सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटेशनल टाइम, कंप्यूटेशनल टाइम का मतलब ऑपरेशन, किसी चीज पे ऑपरेशन करने का टाइम, किसी चीज पे प्रोग्रामिंग करने का टाइम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ज्यादा था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कम हो गया. अच्छा, फर्स्ट, अभी मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे हम लोग? मशीन लैंग्वेज. तरुण, मशीन लैंग्वेज. यस. खुशबू. यस सर. कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन में? मशीन लैंग्वेज सर. चेतन आनंद, कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे? मशीन. हाँ, तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में मशीन लेवल मशीन लैंग्वेज यूज करते थे. सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आ गया. कान खोल के सुन लेना, असेंबली लैंग्वेज यूज फॉर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग. सेकंड जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग होती थी उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे? असेंबली लैंग्वेज. और लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूं, सेकेंड जनरेटेड कंप्यूटर्स हैज फास्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज क्या हुए? फास्टर हो गए. सेकेंड जनरेशन में क्या हुए? फास्टर हो गए. सुन लिया आप लोग? यस सर. यस सर. अब आप लोग फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में डिफरेंस बताओ फटाफट. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ है. फर्स्ट जनरेशन हीट ज्यादा करता था, हीट कम प्रोड्यूस करता है. उसका साइज बहुत ज्यादा था, इसमें इसका साइज जो है कम है. उसमें जो मशीन लैंग्वेज का यूज करते, इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज कर रहा. वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम हैप्पी विथ योर क्लास. उसके बाद आया थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन को, जैसे फर्स्ट जनरेशन को मान रहे 1945 से 1956, सेकेंड जनरेशन को मान रहे हैं 1956 से 1964, थर्ड जनरेशन को मान रहे 1964 से 1971. और फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे. तो उसी तरीके से थर्ड जनरेशन में कंसेप्ट आ गया आईसी का. आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट. अब मैं बोल देता हूं, सुन लो ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं. मैंने टाइम बता दिया, आईसी बता दी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूं. आईसी वाज यूज्ड इन स्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को रिमूव कर दिया गया और आईसी को इंट्रोड्यूस कराया गया. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स दे आर स्मॉलर इन साइज एंड चीपर एज कंपेयर टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या हुए? सेकेंड जनरेशन से स्मॉलर हुए साइज में, चीपर मतलब पैसे में सस्ता हो गए. दे बेयर फास्ट एंड मोर रिलायबल. सेकेंड जनरेशन से इनकी एक्यूरेसी, स्पीड, रिलायबिलिटी फास्ट हुई, मोर रिलायबल हो गए. और थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड. हाई लेवल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड. थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गया और इसमें स्टोरेज के लिए हम लोग क्या यूज करने लगे थर्ड जनरेशन में? मैग्नेटिक कोर एंड सॉलिड स्टेट्स एज मेन स्टोरेज. मेन स्टोरेज को क्या बोलते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी. सेकेंडरी. प्राइमरी. प्राइमरी ही बोलेंगे. इसमें मैग्नेटिक कोर एंड सॉलिड स्टेट एंड मेन स्टोरेज हो गया. और इसमें क्या फायदा हुआ मेन कोर मैग्नेटिक कोर लगने का, कि कंप्यूटेशन स्पीड फास्ट हो गई. कंप्यूटेशन स्पीड क्या हो गई?
फास्ट हो गई और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो गई, लो हो गई। जब जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा, अच्छा होगा, तो मेंटेनेंस अपने आप कम हो जाएगा। अब आप लोग लिख लोगे ना फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। हाँ यस सर। अब आया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के बारे में तो बता सकते हो तुम लोग, बताओ। yes, बताए थे ना फोर्थ जनरेशन, कहाँ बताए अभी सर? हम तो फिफ्थ तक बता दिए थे। और बताएगा तरुण, खुशबू, सबका टाइम पीरियड लिखोगे ना कि कब से कब कौन है, तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा बच्चा इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा अंदर घुसेगा नहीं। अगर टाइम नहीं लिखोगे तो डाउट बढ़ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सर, 1971 से 80 या 90 तक मान सकते हो आप। फोर्थ जनरेशन में सर एक डाउट है सर, वो सर अभी भी चल रहा है ना सर, फोर्थ जनरेशन? अब तो फिफ्थ चल रहा है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। बट वो भी चल रहे थे ना। अब जैसे जैसे आप काम कर रहे हो मान लो मेन फ्रेम पे, तो फोर्थ जनरेशन में बहुत कंपनी आज भी पास्कल पे काम करती है, तो फोर्थ जनरेशन में। बहुत कंपनी आज भी फोर्ट्रान पे काम करती है, तो फोर्थ जनरेशन में है। लेकिन वहां पे जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन के टाइप से हो रहे हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन की तरह है। तो दोनों कर सकते, तो आप बोल ही सकते हो कि आज जो जनरेशन है फिफ्थ है। फोर्थ जनरेशन में क्या फायदा हुआ, थर्ड जनरेशन से क्या चेंज हुआ? सर बहुत कुछ चेंजेस हुए। सबसे पहले तो सर फोर्थ में पोर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टोरेज कैपेसिटी एंड सर हीट बहुत ही कम होने लगा। एंड सर वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आ गए थे, जहाँ पे प्रोग्रामिंग करना और यूज करना कंप्यूटर को बहुत ईजी हो गया था। वहाँ पे पहले ये बताओ, हाँ सिलिकन चिप होता यूज, VLSI होता, वैक्यूम ट्यूब होता कि ट्रांजिस्टर होता, ये तो बताओ मेन चीज। प्रोसेसर सर होता है उसमें, प्रोसेसर में सर LSI, MSI एंड सर VLSI आता है वहाँ पे। LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी गुड। आज क्लास हम लोग फिनिश करें? As you like, sir. तो सैटरडे को आपकी कौन सी क्लास चली थी? चली थी सारी क्लासें ना? तो दो चली थी। अच्छा, कौन कौन? एक तो सर CSS, वो वेब डेवलपमेंट का एक एक्सेल। एक कौन चली थी? वेब डेवलपमेंट, एक एक्सेल। और एक एक्सेल नेटवर्किंग भी चल रही थी, हार्डवेयर। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अटेंडेंस लेके रख लेना रोहित, जब आना तो मुझे दे देना। तरुण सर ले रहा है सो आपका अटेंडेंस टोटल? ज्यादा बच्चे नहीं है, 6 बच्चे हैं। तरुण ले लो, लेके अपने पास रखे रहेगा, मुझे भी नहीं भेजेगा। तो तरुण ही रख रहा है सो। ठीक है, ओके। कोई डाउट आज के क्लास में तो बताओ, फिर मैं रिपीट कर दूं। नो सर। खुशबू सर, प्रिंटर के बारे में सर बताए तो कुछ? प्रिंटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें हम लोग। यस सर, कर सकते हैं सर, उसमें है बट बहुत फंडामेंटल कंफ्यूजन सर, बहुत ज्यादा। क्या सर? फंडामेंटल का पेपर कब है सर? फर्स्ट ईयर सर, फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। सेम टू यू सर।